हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन जारी किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर, जिसकी कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट यानी कि 27/7/2020 से लेकर 16th of August 2020 तक ये फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर चलेगी। तो आप दिए गए लिंक पे जाके इस चीज़ को अप्लाई करें, इस पोस्ट को अप्लाई करें और अपनी सीट को ग्रैब करें। जी हाँ दोस्तों, सीट को ग्रैब करें। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के बारे में और इस रिक्रूटमेंट में जितनी हमारी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दिस जॉब, तो उसको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो वैकेंसी हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा। तो आप इनमें से किसी एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप एक साथ दो या तीन स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ओनली वन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात की जाए तो गुजरात यानी कि अहमदाबाद सर्किल यहाँ पे दिया गया है, इसमें से टोटल 750 सीट्स हैं। बेंगलुरु में 750 सीट्स हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो 296 and 104 सीट्स अवेलेबल हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 550 हैं, तेलंगाना 550 हैं, राजस्थान में 300, महाराष्ट्र में 517 और गोवा में 33। यानी कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल अगर बात की जाए तो 3,850, जो कि एक बहुत अच्छी खासी सीट्स मानी जाती है। तो आप इस पोस्ट को जरूर से जरूर अप्लाई करें, आप अगर आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसमें बात किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 साल का और PWD ST SC इनकेस 15 साल, इन केस ऑफ OBC 13 ईयर, जनरल EWS में 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्सपीरियंस, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 1/8/2020 एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पोस्ट के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है किसी भी कमर्शियल बैंक या फिर RRB में। उसी के साथ कैंडिडेट्स लोकल लैंग्वेज की भी बात की गई है यहाँ पे, यानी कि जो स्टेट में पढ़े हैं, जो स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 10th या 12th का मार्कशीट दिखाना होगा ताकि आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज जान सके, ये प्रूव हो सके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, यानी कि अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उसमें बस ये बोला गया कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके रिज्यूमे में या फिर आपके जो एक्सपीरियंस वगैरह देख के, और उसके अलावा इंटरव्यू होगा सेकेंड राउंड में। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि बैंक रिजर्व्स राइट टू कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि अगर बैंक चाहे तो रिटर्न एग्जामिनेशन ले सकती है, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रावधान ऐसा कोई दिया नहीं गया है कि रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर बात करें फ़ी की, तो जो अप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल EWS और OBC के लिए 750 रखी है और ST SC और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। वहीं अगर बात करें अप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो आप इस लिंक पे, जो बैंक का लिंक है www.bank.sbi/careers पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे और पेमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने होंगे, आप सिग्नेचर, ID प्रूफ इन PDF फॉर्मेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ चाहिए आपको PDF फॉर्मेट में, एक ब्रीफ रिज्यूमे में आपको देना होगा, डिटेलिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस असाइनमेंट हैंडल, इसको भी PDF फॉर्मेट में देना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि मार्कशीट हो गए,
डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, MBA, CA, CFA, अगर आप कुछ प्रोफेशनल डिग्री किए हैं अपने बेसिक डिग्री के अलावा तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप को भी आपको जमा करना होगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको हमारा ये वीडियो आज का? आशा करते हैं कि अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को कैसे हेल्प करती है, और हम इससे मोटिवेट होके और कुछ नया लाने का कोशिश करेंगे। तो होप यू ऑल इन्जॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।